जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख सकते हैं हमारे सामने रमेश, जो दिल्ली के ही एसी टेक्नीशियन है, पिछले 20 साल से काम करते हैं, लेकिन इन्वर्टर एसी का काम नहीं कर रहे थे। आज इनसे बात करेंगे, देखेंगे इनके मन में क्या डर था या कुछ ऐसा इनके साथ हुआ जिसकी वजह से इन्होंने इन्वर्टर एसी का काम नहीं किया। अब आगे ये करेंगे इन्वर्टर एसी का काम, तो आज ये बताएंगे अपनी जुबानी क्यों इन्वर्टर एसी का काम इन्होंने नहीं किया और अब क्यों करना चाहते हैं। तो साथियों, आज हम मिलाएंगे अपने कस्टमर से जिनका नाम रमेश है और दिल्ली में ही एज ए टेक्नीशियन काम करते हैं पिछले 20 सालों से। इन्हें कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस हुई इन्वर्टर एसी को ठीक करने में, वो अपना एक्सपीरियंस आज आप सभी के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले साल एक ओ जर्नल का एसी का काम आया था मेरे पास। मैं वहां पर गया और देखा कि आउटडोर स्टार्ट नहीं हो रहा था, इनडोर चल रहा था। ठीक है, इनडोर चल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, खोल के देखते हैं मशीन को। मशीन को खोल के देखा तो अंदर से सब कुछ ठीक था उसके अंदर। अब उसके अंदर ठीक था तो मेरे दिमाग में आया, चलो ठीक है, इसका बोर्ड ही खराब है। एसी ज़्यादा पुराना नहीं था, इन्वर्टर एसी था वो जर्नल का। तो फिर मैंने उसका आउटडोर का बोर्ड खोला और इनडोर का बोर्ड खोला, उसको जाके मैंने ठीक करवाया दरियागंज से। दरियागंज से जब ठीक करवाया तो उन्होंने 2 दिन बाद मुझे ठीक करके दिया। अब 2 दिन बाद मैं फिर दोबारा गया उनसे बोर्ड लेने, ठीक करके उन्होंने दिया। मैं लाके लाजपत नगर फिर से लगाया, लाजपत नगर के ही साइड थी वो। अब लगाया तो फिर उसके बाद फिर नहीं चला वो, फिर नहीं चला। इनडोर चल रहा था, आउटडोर नहीं चल रहा था। अब उसके बाद फिर मैं लेके गया वहां पर, मैंने बोला भाई साहब ये तो चल नहीं रहा है, सेम पहले जैसी कंडीशन है। उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं, बैठो। बैठा 3-4 घंटे बाद फिर उन्होंने करके दिया। अब करके देने के बाद फिर मैं लेके आया, फिर भी वही सेम प्रॉब्लम। ठीक है, अब इतने में तो कस्टमर बोल रहा कि भैया क्या कर रहे हो, 3 चक्कर आप लगा चुके हो, ठीक है, और ये एसी अभी भी ठीक नहीं हुआ। आपसे नहीं होता तो हम कंपनी वालों को बुलाते। मैंने बोला नहीं जी, देख रहे हैं। अब देखने के बाद फिर उसके बाद कुछ नहीं निकला और पैसे भी खराब हुए और टाइम भी मेरा काफी ज्यादा खराब हुआ। फिर उसके बाद हुआ क्या कि हमने तो हाथ खड़े कर दिए। सीजन का टाइम था, पीछे से हम सबको टाइम दे रहे और एसी में फंसे हुए, तो करेंगे क्या, छोड़ दिया काम को। किसी से करवाया होगा, कंपनी से करवाया होगा, या जैसे भी नया लगवाया होगा, या नया लगवाया होगा। फिर उसके बाद और आपने कितने इन्वर्टर एसी ठीक किए? एक भी नहीं किए। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है ना, कुछ उसके बारे में औजार है हमारे पास, मीटर से तो नहीं चेक किया जा सकता कि हाँ कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, आउटडोर नहीं चल रहा है। बस वो एरर गिनते रहो आप और एरर का कोड ढूंढते रहोगे, क्या एरर है। ये एरर जो है वो तो फील्ड टेक्नीशियन नहीं ठीक कर पाएगा, उसको तो पीसीबी रिपेयर करने वाले ही उसे ठीक कर। मतलब फील्ड में काम करने वाला टेक्नीशियन तो किसी भी कोई भी एरर आ रहा है उसमें, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी है, बिल्कुल, तो वो तो नहीं ठीक करेगा, नहीं ठीक कर पाएगा, वो तो पीसीबी खोल कर ले जाएगा। हाँ, ये एरर आ रहा है भाई साहब, इसको आप ठीक कर दें। और दूसरे इन्वर्टर एसी किए फिर आपने? नहीं किए उसके बाद मैंने। अच्छा, क्यों नहीं किए? कुछ औजार ही नहीं था मेरे पास, कैसे चेक करता उसको मैं। अच्छा, चेक करने में कोई औजार ही नहीं था। लेकिन अब ये जो सीजन मेरे मतलब पास, साइट पर आप जाते हो। हाँ। ठीक है, साइट पर आप जाते हो तो आपको नहीं पता लगता है कि इसका बोर्ड खराब है या कंप्रेसर खराब है। सीधा जाके अगर पीसीबी निकाल लिया और उसका कंप्रेसर खराब हुआ तो पीसीबी वाले तो ठीक करके देते रहेंगे। बिल्कुल, पीसीबी वाले उसको ठीक करके दे देंगे पीसीबी को। हाँ, खराब है चाहे नहीं है, बहुत सारे पीसीबी वाले बस पैसे ले लेते हैं। हाँ, वो तो ले लेंगे, वो बोलेंगे कि भैया 2 दिन बाद आना, ये पीसीबी हम ठीक कर देंगे और फिर तुम ले जाके लगाओगे। अगर कंप्रेसर खराब है तो वो तो चलेगा ही नहीं ना, चाहे पीसीबी ठीक है या नहीं ठीक है। तो उस लाइन के लिए अब ये यूबीडब्ल्यू है,
UVW टेस्टर है, इससे आपका कम्युनिकेशन भी पता चल जाएगा। कम्युनिकेशन की ये लाइट है कि इंडोर आउटडोर को कम्युनिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। कम्युनिकेशन दे रहा है, ठीक है। हम कंप्रेसर वाली तारों पर ये UVW की तीन तारे लगाएंगे जो उसके टर्मिनल पे जाती हैं कंप्रेसर के। ये तीनों तारे लगाएंगे हम और ये लाइटें रन करना चालू हो जाएंगी। अगर ये लाइटें रन नहीं कर रही हैं तो आपका हाँ, लेकिन जब PCB आउटपुट देगा हाँ, तभी ये उन्हें कैप्चर करेगा, रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड और फिर बाद में दिखाएगा। हाँ, फिर उसके बाद में ये दिखाएगा। अगर सारी LED दिखाता है तो PCB स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है कंप्रेसर को, बिल्कुल, तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर उस केस में मैं क्या करूंगा कि कंप्रेसर चेक करूंगा तुरंत, और वो कंप्रेसर चेक होगा कंप्रेसर ड्राइव से। कंप्रेसर ड्राइव से चेक होगा, यहाँ पे उसकी तीनों तारे लगेंगी UVW की कंप्रेसर की, और इसको मैं चालू करूंगा। ये चालू करने से कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, AC कंप्रेसर है, कंप्रेसर का आउटडोर का कंप्रेसर ज्यादातर आजकल DC आ रहे हैं, AC बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन किसी में हुआ तो उसको, लेकिन मेरे पास तो इसमें दोनों चीज का फ्यूचर है ना, DC कंप्रेसर का, AC कंप्रेसर का। DC कंप्रेसर है तो ये वाला बटन चालू कर देना है, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा आपका। आपको उतनी देर में गैस भी पता चल जाएगी, यहाँ भी गैस वैस है और कंप्रेसर भी ठीक है। अब हमारी सिर्फ PCB खराब है। लेकिन अगर आपने पता भी लगा लिया कि जैसे PCB खराब है, ठीक है तो भी अगर एक बार कंप्रेसर को चेक कर ले कि कंप्रेसर ठीक है कि नहीं है, PCB में ठीक करने में पैसे लगाए या नहीं भी लगाए, क्योंकि अगर कंप्रेसर अगर मान लो ठीक है तो नया PCB भी खरीद के लगाया जा सकता है। लेकिन अगर कंप्रेसर ही खराब है और आप उसे चेक नहीं कर पा रहे हो तो रिपेयरिंग के पैसे भी आपके बेकार जाने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी बात है और इसीलिए तो मैं लेने आया हूँ। अच्छा, बात ही यही है कि लेने का यही फायदा है कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या चीज खराब है, और बिल्कुल आप कस्टमर को बिल्कुल खर्चा आप अपने हिसाब से जो बताना है बता भी पाओगे और ठीक भी कर पाओगे। बिल्कुल ठीक भी कर पाएंगे और बता भी पाएंगे। अब मैंने पता लगा लिया कि कंप्रेसर इससे चल रहा है और मैं PCB वाले के यहाँ से PCB रिपेयर करवा लिया है। PCB करवाने के बाद फिर मैं UVW से चेक कर सकता हूँ कि हाँ PCB ठीक हो चुका है। अब मैं लगा दिया उसको मशीन में। लगाने के बाद कंप्रेसर मेरा चेक हो चुका है, कंप्रेसर मेरा ठीक है। अब मैंने उसको PCB को आउटडोर में लगा दिया, कंप्रेसर चल गया, तो बस तो ठीक है, मेरी साइड कंप्लीट हो गई। अगर नहीं चला तो PCB वाला बेवकूफ नहीं बना सकता ना कि PCB ठीक है। बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा कंप्रेसर तो चल रहा है। मैं तो उसको भी बोल सकता हूँ ना सर कि मेरा कंप्रेसर चल रहा है और ये सेम प्रॉब्लम पहले वाली ही है, सेम प्रॉब्लम पहले वाली ही है। क्योंकि UVW टेस्टर से ये फायदा है कि ये कम्युनिकेशन भी दिखाता है और UVW भी दिखा देता है कि UVW आउटपुट PCB कंप्रेसर चला रहा है कि नहीं चला रहा है, तो मेरी साइड हो जाएगी कब फाइनल और मैं सक्सेस हो जाऊंगा अपने काम में। अब से इन दोनों चीज लेने के बाद मैं इन्वर्टर AC का काम बिल्कुल आंख बंद करके कर सकता हूँ और किसी भी बोल सकता हूँ हाँ हम इन्वर्टर AC रिपेयर करते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले मना कर देते थे, क्या बोलते थे कंपनी वाले करेंगे, हम नहीं करते इन्वर्टर AC। आज की डेट में काफी बंदे हैं कि जो इन्वर्टर AC में फंसना ही नहीं चाहते, और कई लोग तो मैंने सुना है कि मना कर देते हैं कि इन्वर्टर AC बेकार होते हैं। जितने का आप इन्वर्टर AC लेंगे, जितने की बिजली नहीं बचाएंगे उतने उसके अंदर आप खर्चा कर देंगे, तो कई लोग तो ये भी सोच के नहीं लगवाते। लेकिन अब बिल्कुल लगवाइए। हाँ, लेकिन इन्वर्टर AC में उतना खर्चा नहीं हो सकता कभी भी जितना वो बिजली बचा देता है। इन्वर्टर AC इतना फायदेमंद है कि एक सीजन में अपनी वो कीमत पूरी कर देता है बिजली बचा के, और कूलिंग
जितने पे आपने सेट कर रखी है, जैसे कि 23 डिग्री, तो वो 23 डिग्री ही रहेगी, आपको बार बार उठने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है? नॉन इन्वर्टर एसी में होता यह है कि एक तो जब हम 24 पे कर देंगे उसको बिजली बचाने के लिए, तो वो बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद फिर थोड़ी देर बाद हमें गर्मी लगती है, तो आंख खुल जाती है, तो फिर नींद खराब हो गई हमारी, तो फिर एसी में सोने का मजा कहाँ आया? आया ही नहीं। फिर उसके बाद उसको हम सीधा जल्दी जल्दी करेंगे, यार पसीना हो गया 20 डिग्री करो। अब 20 डिग्री करके जैसे आंख लगेगी वैसे कमरा फिर से ठंडा हो जाएगा, फिर कहेंगे कि अरे बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, इसको कर देते हैं 24 पे करेंगे, फिर थोड़ी देर सोएंगे, तो सारी रात तो ऐसे ही कट जाती है। लेकिन ये चीज इन्वर्टर एसी में नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो सच है कि नॉन इन्वर्टर एसी में किसी को नींद आए या ना आए, उसका कंप्रेसर कितनी बार बंद चालू हुआ ये सबको पता होगा। हाँ, ये तो पता है। तो सोने की बजाय, मतलब अच्छी नींद सोने की बजाय कंप्रेसर गिनता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आदमी मिडिल क्लास फैमिली, हम कहीं एसी लगा रहे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली ये पहले पूछती है भैया कितना बिजली का बिल आ जाता होगा महीने का, तो हम उसको यही समझाते हैं, देखो अपने हिसाब से चलाओगे तो 2500-3000 रुपए तक का बिजली का बिल आ जाएगा, ठीक है। और बड़े लोगों के तो बात ही अलग है, उनको कोई नहीं फर्क पड़ता कितना, उनको भी फर्क पड़ता है बिजली का बिल सब बचा। लेकिन अभी तक जितनों से मैंने सुना है कि भैया बिजली का बिल कितना आता है, वो 20-25 हजार रुपए की नौकरी कर लेने वाला ही बंदा पूछता है। तो ऐसा करना चाहिए ना टेक्नीशियनों को कि कस्टमर को ऐसा बोलने से अच्छा कि नॉन इन्वर्टर एसी लगवा लो। हाँ। उससे अच्छा इन्वर्टर एसी लगाएं और उसको ठीक करना सीखें। बिल्कुल, उसको ठीक करना सीखें। हाँ। अब क्योंकि मेरे पास तो रास्ता आ चुका है यूबीडब्ल्यू टेस्टर से और कंप्रेसर ड्राइव से, हम कंप्रेसर खराब कंप्रेसर को भी हम चेक कर सकते हैं कि ये कंप्रेसर ठीक है कि नहीं है। ठीक, तो पिछले साल आपने ठीक नहीं किए इन्वर्टर, बिल्कुल नहीं किए, तो कुछ कस्टमर भी खराब हुए होंगे। बिल्कुल खराब हुए। और हम कैसे, अब लगा हुआ है एसी को हम कैसे बोलते कि ये इन्वर्टर एसी खराब है? बिल्कुल खराब नहीं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और बहुत बढ़िया है, और ये हमारे पास अब रास्ता आ चुका है इन्वर्टर एसी को रिपेयर करने का। ठीक है, हम डीसी कंप्रेसर भी चेक कर सकते हैं, एसी कंप्रेसर भी चेक कर सकते हैं, और यूबीडब्ल्यू टेस्टर से कम्युनिकेशन भी चेक कर सकते हैं, और ये तीन तार लगा के हम पीसीबी चला पा रहा है कि नहीं चला पा रहा, ये भी हम देख सकते हैं। आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी हम देख सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा ये दिल्ली के ही टेक्नीशियन है जो पिछले 20 साल से फील्ड में एसी का काम कर रहे हैं, बहुत सारी इनकी पार्टी है, कुछ अब कम हो गई होंगी इन्वर्टर एसी आने से, तो अब बढ़ेंगी। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस इनका आज की वीडियो में। साथियों, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।